रायपुर शहर का विकास लगातार हो रहा है। शहर बड़ा होने के साथ शहर की सीमाएं भी बढ़ती जा रही हैं, साथ ही आबादी का दबाव भी सड़कों पर बढ़ा है, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ती जा रही है। राजधानी की कई प्रमुख सड़कें ऐसी हैं जहां आज भी ट्रैफिक की दिक्कतों से मुक्त नहीं हो पाई है। आखिरकार शहर कैसे इन दिक्कतों से पार पा सकता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आइए आपको बताते हैं उन सड़कों के बारे में जहां ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है। ट्रैफिक जाम वाली सड़कें, जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली मालवीय रोड, चिकनी मंदिर से एवरग्रीन चौक गोल बाजार, शारदा चौक से गुरु नानक चौक एमजी रोड, पंडरी बस स्टैंड से लोधीपारा चौक, कोतवाली चौक से सदर बाजार कंकाली अस्पताल चौक, गुरु नानक चौक से स्टेशन रोड तक, राठौर चौक से राम सागर पारा। रायपुर में कुछ चिन्हांकित जगह जहां पर लगातार यातायात बाधित रहता है, उन एरियों में प्रयास किया जा रहा है कि नगर निगम के साथ मिलकर कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई बीच बीच में लगातार जारी भी है। उसके अलावा जो टाइमिंग है, जिस समय अनलोडिंग लोडिंग की जो कार्रवाई की जा रही है, वो इस टाइम पे रखा जाए जिस समय ट्रैफिक व्यवस्था जीरो रहता है या जिस समय ट्रैफिक व्यवस्था में लोग या उतना यातायात व्यवस्था बाधित नहीं रहता। इसके अलावा नो पार्किंग की भी कार्रवाई की जा रही है। अगर जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ नो पार्किंग की भी कार्रवाई की जा रही है। और पिछले लगातार कई समय से नो पार्किंग की कार्रवाई की गई है, जिसमें 9,000 से ज़्यादा चालानी कार्रवाई की गई है। इन सभी सड़क मार्गों पर कई सालों से ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। इन सड़कों पर गाड़ियां काफी धीमी चलती हैं, कई बार तो सिर्फ सरकती नजर आती है। बार बार जाम लगना आम बात है। इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया था क्या समस्याएं इन सड़कों पर हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम लग रहा है। वहीं इसके समाधान की बात करें तो जरूरत है नो पार्किंग पर सख्ती की, मालवाहक वाहनों का प्रवेश का समय तय करने की, कुछ सड़कों को तय समय पर वन वे करके भी इस समस्या से निपटा जा सकता है। रायपुर शहर महानगर से राजधानी बन गया, लेकिन इतने सालों के बाद भी आज भी यहाँ के कई मुख्य सड़क मार्ग है जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन इलाकों में नो पार्किंग जैसी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग अब भी ट्रैफिक की समस्या से परेशान है। बहरहाल देखना होगा ये समस्या कब तक बनी रहती है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा वर्तमान में और क्या कुछ कार्रवाई की जानी है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर।